हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं नीलम और आप सभी का नीलम जैकन लाइफस्टाइल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आ गए हैं पैलेस ऑफ सिटी यानी कि पैलेसों का शहर मैसूर में, और यहां का वेदर बहुत ही अच्छा है। आप इस गर्मी के मौसम में भी आकर घूम सकते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं भारत का सबसे बड़ा महल यानी कि मैसूर पैलेस। तो चलिए, हम पहुँच गए हैं मैसूर पैलेस के सामने, और सामने जो आप गेट देख रहे हैं यही मैसूर पैलेस का मेन गेट है। इसी से हमारी अंदर की एंट्री होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेन गेट है उसके अगल बगल के नज़ारे आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा, और काफ़ी भीड़ भाड़ चल रही है। सो गाइज, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम आ गए हैं मैसूर पैलेस में, और आज यानी कि 21 जून को है हमारा इंटरनेशनल योगा डे। तो आज हम योगा दिवस मनाते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मैसूर पैलेस में योगा डे सेलिब्रेट करने के लिए भव्य आयोजन करवाया था, जो आपने सुबह सुबह टीवी पर देखा होगा। तो आज हम आ गए हैं इसी मैसूर पैलेस में, जो बहुत ही शानदार महल है, और लोग दूर दूर से इस महल को देखने आते हैं, जिसे हम अम्बा विलास पैलेस के नाम से भी जानते हैं, या फिर भारत का सबसे बड़ा महल मैसूर पैलेस को कहा जाता है। तो सबसे पहले इस शानदार महल को देखने के लिए टिकट लेना होता है, तो आप देख सकते हैं लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ पे टिकट काउंटर है, यहीं से आपको टिकट मिलेगी। तो यहाँ पर आप टिकट ले सकते हैं, और टिकट लेने के लिए आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। और हाँ, एक बात मैं और बता देती हूँ, जब भी आप जाएँ तो आप यहाँ पर चेंज पैसे लेकर जाएँ। 100 रुपये के आपको टिकट मिलेगी, लेकिन आपको 100 रुपये चेंज देना पड़ेगा। यहाँ पर कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती है, आपको यहाँ पर कैश ही देना पड़ेगा। तो चलिए, हमने टिकट तो ले लिया है, और चलते हैं महल के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ का प्राचीन मंदिर है, जो बहुत ही शानदार तरीके से बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, मैं अंदर से इस गेट को दिखा रही हूँ, और सामने ये मंदिर है। तो चलिए, हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं महल की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यही है यहाँ का मेन पैलेस, जो बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहती हूँ और आपको बता देना चाहती हूँ कि यह वही जगह है जहाँ आज योगा डे सेलिब्रेट किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मैसूर पैलेस की महारानी पद्मोदा देवी और हजारों की संख्या में लोग आकर यहाँ पर योग किया, जो आपने टीवी पर इसका प्रसारण देखा होगा। और इस महल को किसने बनवाया है वो भी मैं बता देती हूँ। तो इस विशाल महल को बनवाया था कृष्णा राजा बड़ियाल फोर्थ ने। 14वीं शताब्दी में इस महल का निर्माण वाड़ियाल राजाओं ने करवाया था, जबकि इसका डिजाइन प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार हेनरी इरविन ने तैयार किया था। यह पहले बड़ियाल फैमिली का निवास हुआ करता था, यानी कि जो पहले बड़ियाल फैमिली थे इसी महल में रहते थे। मैसूर पैलेस द्रविड पूर्वी और रोमन कला का अद्भुत संगम है। सिलेटी पत्थरों से बना यह महल, गुलाबी रंग के पत्थरों के गुबंदों से सजा हुआ बहुत ही शानदार महल है। तो अगर आप किसी ऐसी जगह घूमना चाहते हैं जहां आपको भव्यता के साथ साथ आलीशान बंगले और शाही अंदाज का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं, तो फिर मैसूर पैलेस आपके लिए बिल्कुल सही जगह है, जो देश के सबसे शानदार संरचनाओं में से एक है, जिसे हम अम्बा विलास पैलेस के नाम से भी जानते हैं। यह मैसूर पैलेस विजिटर्स के लिए रोज़ खुला रहता है। आप सुबह 10 बजे से 5:30 बजे तक इस महल के अंदर आप देख सकते हैं। वहीं इसके एल्यूमिनेशन यानी मैसूर पैलेस में जो लाइट एंड साउंड का एक शो होता है, तो अगर आप उस शो को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शाम को जाना चाहिए। और ये जो लाइट एंड साउंड का शो होता है वो शाम को 7 से 8 बजे के बीच में होता है, जो बहुत ही रॉयल और शानदार तरीके से इस महल को सजाया जाता है, जिसे देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और पूरे महल रोशनी से जगमगा उठता है। तो चलिए, हम इस महल के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं अंदर के आलीशान और शानदार नज़ारे, जिसे देखकर आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए, हम आ गए हैं इस आलीशान महल के अंदर, और आप देख सकते हैं अंदर का लुक, जो बहुत ही शानदार।
तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं जो चाम राजा वडियाल फैमिली थे उन सभी फैमिली मेम्बर्स के यहाँ पर फोटोज लगे हुए हैं। तो आप इस तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं उनकी तस्वीरें। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के जरिए देख सकते हैं इस शानदार और आलिशान महल को, जो बहुत ही अद्भुत तरीके से बनाया गया है, और दीवारों पर लगी ये वाडियाल फैमिली की पेंटिंग जो आपको हैरान कर देगा कि इतना पुराना महल और पेंटिंग आज भी वैसे के वैसे ही चमक रहे हैं। और एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर पहले दूसरा महल हुआ करता था, लेकिन उसमें आग लग गई थी, यानी कि जल गया था, उसके बाद में इस महल को बनवाया गया था। तो आप इस वीडियो पर बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी तक तो आपने बाहर का नज़ारा देखा था, इस महल का नज़ारा देखकर आपके नज़रें बिल्कुल नहीं हटेगी और आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। इस महल के दीवारों, पिलरों और छतों को देखकर आप हैरान हो जाएंगे और ज़रूर कहेंगे, ओह माय गॉड, कैसे बनवाया होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हाथी दांत। तो आपको बताना चाहूँगी कि ओरिजिनल हाथी के दांत लगा हुआ है यहाँ पर, केमिकल के बेस पर इस दीवार में हाथी का दांत को लगाया गया है।
फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं महल के बाहर और यहाँ से हमें बाहर जाने का रास्ता है। तो आज की हमारी मैसूर पैलेस की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।